Hi guys, there is another beautiful day and today is another event and today is little bit early I think. Let me show you the time. It is just let me actually show you. Okay, let me tell you. It is just 3:83 in the morning and it is Sunday. और आज हमारा एक फिर से ट्रिप है कॉलेज का. कॉलेज का मतलब एक इवेंट का है. जूनागढ़ सिटी है यहाँ पे गुजरात में. सॉरी बाहर से आवाज़ आ रही है सुबह का टाइम है. और एक मज़ेदार ट्रिप है दोस्तों के साथ. कॉलेज का जो है मेरा पहला ट्रिप है. सो देखते मज़ा आने वाला है. पर आगे का प्लान थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता है कि कैसे होने वाला है. तो फिर मैं आपको बता दूँगा कि क्या होने वाला है. सो दोस्तों वो जो मैं कॉलेज के ट्रिप की बात कर रहा था तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं. तो उसमें हम टोटली है 18 लोग. तो हमने सोचा है सभी एक एक सभी लोग एक एक बस में जाए. उससे अच्छा है ना एक पूरी जो है टैक्सी जो है बुक कर लेते. तो हमने इस तरीके से किया है. तो अभी हम सभी लोग जो है एक जगह पे गेट इकट्ठे होने वाले. मतलब दो तीन लोग एक स्टॉप पे खड़े हो जाएंगे तो फिर आगे से सभी साथ में जाएंगे. यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है. मतलब 2 घंटे या फिर मैक्सिमम 1.5 आवर्स का है जो पूरा सा रास्ता है. सो मज़ा आएगा फ्रेंड्स के साथ पूरी ट्रिप में. बेसिकली दोस्तों हुआ ये है कि मेरे पास जो है कोई व्हीकल की अवेलेबिलिटी नहीं है. तो मैंने एक अपने दोस्त को कॉल किया है. तो वो इधर आ रहे हैं मुझे पिकअप करने के लिए. और फिर हम लोग साथ में स्टॉप पे जाएंगे. शुभम नाम है उसका शायद आप लोगों को पता हो तो. सो फिर इस तरीके से हुआ है. सो फिर वो भी मुझे पिकअप करने आ रहा है यहाँ पे. तो मैं अपने घर से थोड़े दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे एक प्लेस है. सो वहाँ पे जा रहा हूँ और वो सीधा वहाँ पे आएगा. सो इस तरीके से होने वाला है. फिर चलो देखते किस तरीके से होता है. सो गाइस एज यू कैन सी ओवर हियर बिहाइंड मी इट इज़ अ प्लेस मधुभाई गोर्धन भाई चेवड़ावाला. आई एम नॉट डूइंग ब्रांडिंग ऑफ दिस थिंग्स. बट मुझे बोला गया कि तेरे को इधर खड़ा रहने का है. तो ये अगर आपको दिख रहा हो पीछे. सो ये एक रेलवे क्रॉसिंग है पीछे. सो उधर से वो आएगा और मुझे बोला कि तू इधर खड़ा रहे. सो वो मेरे को पिकअप कर लेगा. और दोस्तों मैं बेसिकली ये जो प्लेस है वो राजकोट में है. तो अगर आप राजकोट में है तो यहाँ की जो है वो वेफर्स और जो चेवड़ा पर्टिकुलर जो ट्राई कीजिएगा बहुत बढ़िया. तो इसकी चटनी है चटनी उसकी भी स्पेशलिटी है. सो आप आइए तो बिल्कुल एक बार इसको टेस्ट कीजिएगा. हालांकि मैं कोई भी इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ. वो मुझे जस्ट बोला गया कि तेरे को इधर खड़ा रहने का है. सो मैं जस्ट खड़ा रह रहा हूँ और दैट्स इट. फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे स्टॉप पे आ गए. मेरा दोस्त शुभम जो मेरे को लेने आया था हमने बाइक जो है घर पे छोड़ दिया है. और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप है वो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो हमने बाइक को घर पे छोड़ के यहाँ पे आ गए और वेट कर रहे हैं बस का. कॉल किया था मैंने जो इवेंट मैनेजर को. इवेंट मैनेजर तो नहीं कह सकते पर जिसने सारी जो चीज़ें मैनेज की ऑर्गेनाइज़ की है वो. उसने बोला कि जस्ट निकल रहे अभी. सो फिर देखते हैं आगे किस तरीके से होता है.
कॉलेज में आ गए हैं और यहाँ पे इवेंट है, बहुत जल्दी पहुँच गए। अभी तो कॉलेज का स्टाफ भी है, वो आया नहीं है। और कॉलेज की बात करूँ तो बढ़िया है कॉलेज, और आगे देखते हैं फिर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है सारी चीज़ें। अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो पीछे होने वाला है, पर वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन। सो फिर रजिस्ट्रेशन होगा तो देखेंगे किस तरीके से होता है। सो गाइज, इट्स 7:21 और यहाँ पे जो सभी स्टाफ है वो आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन भी हो गया। इधर पीछे ही रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन डेस्क इधर हर जगह पे है। और दोस्तों, ये है रुद्रेश, मेरा फ्रेंड, भावनगर GMIT कॉलेज से। हम लोग एट स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ते थे। और ये है मेरा दोस्त विनय, हम सभी साथ में पढ़ते थे। और फिलहाल तो कहने वाली बात यह है कि इधर आप जैसे कि देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, पर कोई बैग्स वगैरह जो किट उसकी है वो आई नहीं है, तो अभी वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इस तरीके से बाहर खड़े हैं, तो देखते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, आई कार्ड और वो सब क्या मैसेज इसका प्रॉब्लम है, मैसेज दिखाओ वगैरह वगैरह। सो देखते आगे किस तरीके से होता है। फिर देख लो, इधर आगे इतनी सारी लाइन खड़ी है, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। तो सो दोस्तों, यहाँ पे नोबल कॉलेज में हम जो थे इवेंट पे, सो यहाँ पे अभी तो पूरा कैंटीन का मतलब भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी नाश्ते पे लगे हुए पीछे। और रजिस्ट्रेशन का एक मेरे दोस्त का जो प्रॉब्लम हुआ था कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था पर उसका नाम नहीं आ रहा था, तो फिर वो तो सॉल्व हो गया, उसका नाम मिल गया। पर यहाँ पे धूप बहुत है। सो अभी वेट करें हमारे इवेंट का। हमारे इवेंट बीज क्विज करके है, बिजनेस की जो है पूरी इवेंट है, बिजनेस किस तरीके से करते हैं इस रिगार्डिंग है। और 11 बजे की इवेंट है हमारी। सो अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं, सभी नाश्ता कर रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज मी चिंतन हियर एंड मी हियर। सो नोबल में है और सी द क्राउड, सब लोग यहाँ पे राह देख रहे हैं अपनी बारी की, और हम भी सही। गाइस, अभी टाइम हो गया 12:30 और हमारा टाइम है हमारे इवेंट में जाने का। हमारे इवेंट है बीज क्विज। सो हम उधर जा रहे हैं, बिजनेस क्विज है, सेमिनार हॉल में है। सो इवेंट के बाद मैं बता दूँ उसका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहता है, तो फिर तो बताऊंगा। सो अभी हम जा रहे हैं क्विज में, सो मिलते हैं बाद में। सो गाइस, फाइनली वी कंप्लीट अवर टेस्ट, और टेस्ट में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के थे कि डी कुछ हार्ड नहीं था, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, और चाट मसाला कैच मसाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और कौन कौन से थे, नाइक की टैगलाइन क्या है, रिबॉक की टैगलाइन क्या है, और कौन सा था, रिबॉक की टैगलाइन। हाँ, वो तो हो गया। फुल फॉर्म थे मतलब कि INX का फुल फॉर्म क्या होता है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है, सिर्फ ऐसे ABC ऑप्शन ही ज़्यादा सिर्फ लिख दिया ऐसे, जो भी लिखना था वो। रिजल्ट है 15 मिनट के बाद, तो फिर देखते हैं। फाइनली गाइस, रिजल्ट आ गया है पहले राउंड का, और मैं और रुद्र सिलेक्ट हो गए हैं, और साथ में ध्रुआ भी सिलेक्ट हुआ क्या, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, हम दोनों सिलेक्ट हो गए सेकेंड राउंड के लिए। अब देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या होता है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ और चिंतन का सिलेक्शन हो गया है सेकेंड राउंड के लिए। नहीं हुआ क्यों, कौन सी कॉलेज है, पार्ट दो। सो फाइनली गाइस, सेकेंड राउंड ओवर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी राउंड था, JEE का नाम सुना होगा, माइनस सिस्टम थी, मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सच हो तो +10 पॉइंट, और क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो -10 पॉइंट। सो हमने सबमिट कर दिया, मतलब पहले राउंड में था वैसा ही था, MCQC टाइप के थे, पर इसमें माइनस सिस्टम रहती है, थोड़ा सा हार्ड था। रुद्रेश को पूछते हैं तेरा कैसा रहा। वेटिंग फॉर रिजल्ट। थर्ड राउंड है, देखते दिखा था आपको इस तरीके से, तो रिजल्ट आए, फिर देखते हैं किस तरीके से होता है। मज़ा है, मतलब बीस क्विज काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे इसमें, कि मतलब इसका CEO कौन सा है, और RBI के गवर्नर कौन से, RBI कब जो एस्टेब्लिश हुई, काफ़ी सारे इस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो मज़ा आया। मतलब एक इवेंट जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इवेंट में पार्ट लिया और जैसे आंसर दे दिया, ऐसे नहीं था, पर मज़ा आया। तो फिर आगे देखते हैं सेकेंड का रिजल्ट क्या आता है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ इसके बारे में। लुक एट वी व्हाट वी फाइंड ओवर हियर। बहुत बढ़िया जो रंगोली है की गई है, सुपर्ब है। और
एक्सक्यूज मी, चला लिया था मैम। और सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया, चिंतन जो है वो सिर्फ एक ही क्वालिफाई हुआ है, हम में से और कोई भी है जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है। सो बैग लेके आ रहा हूँ, माइनस सिस्टम थी, चांस ही था, हुए तो हुए ना हुए तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था। आप देखते हो वो जब बाहर आए तब कि उसको क्या क्या करने का उधर मिला है। सो दस दस सिक्को, नो नो नहीं, जो आई से खींचा मैं, अरे ना जी देर इज इवेंट देर दैट इफ अगर आपके पास 10 रुपीज़ का कॉइन है तो अगर आपको उसमें देख के इधर अंदर डालना है सो एक इवेंट थी, तो मज़ेदार इवेंट काफ़ी जो है होस्ट की गई है, सॉरी ऑर्गेनाइज की गई है इस कॉलेज के द्वारा। सो मतलब ओवरऑल मज़ा आया इस पूरी टीम में। अभी तो हालांकि कोई इवेंट ऐसी बाकी नहीं है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना हो, क्योंकि एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट हमने किया था, ये 20 क्विज़ थी बेसिकली। इसमें जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं, माना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसके CEO कौन से है, या फिर इस तरीके से मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे ये जो कंपनी थी वो एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो इस रिगार्डिंग जो है थोड़े से क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी मज़ा आया है इसमें। सो बस इवेंट तो अब ख़त्म हो गए, अभी बाकी फ्रेंड्स की राह देख रहे कब वो सभी आएंगे। सो दैट्स इट। तो फाइनली रुद्रेश और विनय जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया। इसने तो पहले राउंड में भी हार, पहले राउंड में ही हार गया था, रुद्रेश जो सेकंड तक मेरे साथ में था। सो जो गए अब तो बाय, फिर मैं हम लोग मिलेंगे निर्मा में, एक इवेंट है उधर मिलने वाला है। सो अभी के लिए बाय। सुबह जब आए थे तब काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं पर थोड़ी ठंड थी, मतलब लग रही थी। अभी दोपहर के 2 बज के शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, 2:48 हुआ है और काफ़ी धूप है इधर। सो जैसे कि वो लोग, वो दोनों रुद्रेश और विनय है, वो गए हैं घर अभी, क्योंकि इवेंट ख़त्म हो गया है और मैं जा नहीं सकता, मतलब हम सभी साथ में, साथ में है तो साथ में ही जाएंगे। सो मज़ेदार है, मतलब इवेंट जो जितनी भी जो भी ऑर्गेनाइज़ की हो काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग इवेंट है यहाँ पे, जहाँ पे मेल्स के 5 वॉलेट्स और फीमेल्स के 5 वॉलेट्स और कॉम्ब और सेफ्टी पिन इस तरीके से सभी इकट्ठा करने, ये आप देख सकते हैं। सेफ्टी पिन कितनी है? 25 सभी, पूरा सा ढेर लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया इन लोगों ने, कॉम्स, वॉलेट, कैप, बोतल। सो दोस्तों इवेंट तो सारे ख़त्म हो गए हैं, पर यहाँ पे हम सब कॉलेज वाले अपने तरीके से खेल रहे हैं। मैं आपको इसका एक शॉट दिखाता हूँ, तो सब लोग इधर अपने तरीके से खेल रहे हैं। इधर रोप का जो खींचने की गेम होती है वो इधर खेल रहे टीम वाले। इवेंट तो ख़त्म हो गया, पर लोग अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। कॉलेज को ओवरव्यू एक मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। पीछे जो है वो कॉलेज का गेट है और इस ओर जो है आपको दिख रही है पीछे कैंटीन है, इधर टी पोस्ट का है और इधर एक उसकी लोकल कैंटीन है। इसकी बात करूँ तो इधर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन सा कुछ चल रहा है। बताओ आपको इस और क्या है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी आपको। दोस्तों
ख़त्म हो गई है, सब ख़त्म हो गया है, बोर हो रहे हैं, कैंटीन में भी कुछ नहीं है। सो कुछ आए ड्रिंक्स पर मैं तो ड्रिंक्स पीता नहीं, मसाला सोडा वगैरह है बट मैं तो लेता नहीं हूँ कुछ, तो बोर हो रहा हूँ फिलहाल। तो भी कुछ जो मेरे दो तीन दोस्त हैं वो दूसरे इवेंट में पार्ट लेने के लिए गए हैं, तो देखते हो आए फिर निकलेंगे घूमेंगे शायद, या फिर शायद सीधे निकल जाएंगे। तो आगे का क्या अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँगा, शायद से ठीक से नहीं आ रहा होगा। सो बाय, फिलहाल के लिए तो बाय यार, बहुत पक गया हूँ मैं। कोडलधाम पर हम पहुंच गए और अब हम यहाँ पर ही जा रहे हैं। कोडलधाम मंदिर में दर्शन करना है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे का। दोस्तों अभी ये कोडलधाम टेम्पल में आए थे, राजकोट कागवड़ जो गांव है उधर है, बहुत बढ़िया टेम्पल है, आपने पीछे व्लॉग में देखा, एकदम बड़ी जगह, खुली शांत, एक बार ज़रूर आना, ये ज़रूर आना एक बार इधर।